हेलो एवरीवन, रिकर्शन के सीरीज में आज हम लोग एरे का सम फाइंड करना सीखेंगे। हम लोग देखेंगे कितने मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि एरे के सम को फाइंड किया जाए। आई एम नॉट क्लेमिंग कि यही मेथड्स पॉसिबल हैं, आप इसके अलावा भी अपने मेथड्स को सोच सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक एरे है, लेट्स से इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। सो अगर हमने एक सिंपल सा एरे सी या सी प्लस प्लस में माना है, सो ये ऐसा एरे होगा जिसका जो लास्ट इंडेक्स होगा दैट विल बी 4। तो अगर हमें एक सिंपल सा सम करना है तो हम एक सम वेरिएबल ले सकते हैं जिसको 0 से इनिशलाइज कर लें, एंड देन इसके बाद हम एक लूप चला के इसको सम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 4, एंड आई प्लस प्लस, एंड देन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, लेट्स से एरे का नाम अगर ए है तो ए आई। तो इसके बाद हम लास्ट में इसका रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज द आइटरेटिव सम। मान लीजिए कि अगर हम इसी टास्क को रिकर्सिवली करना है तो हम रिकर्सिवली कैसे करेंगे? रिकर्सिवली करने के लिए बहुत सारे मेथड्स पॉसिबल हैं। लेट्स से कि हमारे पास पहला मेथड ये है कि हम लास्ट एलिमेंट को सम करके या लास्ट एलिमेंट को पिक करके, और ये जो छोटा एरे है इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में उस वाले के साथ उसी सेम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो लेट्स से कि हमें एक सम करना है ए एरे में जिसमें कि लास्ट इंडेक्स एन है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू ए एन और प्लस इसी फंक्शन को कॉल कर लीजिए सेम एरे के साथ, और उसमें लास्ट इंडेक्स एन माइनस वन को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि लास्ट एलिमेंट को हमेशा ऐड करता रहेगा प्रीवियस वाले में और उसी को रिटर्न हम कराते रहेंगे। तो जब तक 0 इंडेक्स है तब तक तो ये वैलिड है, लेकिन जैसे ही ये इंडेक्स चेंज होगा या ये रिड्यूस हो रहा है इंडेक्स एन से n-1 देन n-2, सो इसका मतलब क्या है कि अगर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो तब तो ये चलता रहेगा, लेकिन अगर एन लेस देन 0 हो जाएगा तो हम उस केस में 0 रिटर्न कर सकते हैं। 0 रिटर्न करने का सिंपल से मीनिंग है कि ये हमारा एक बेस कंडीशन है। एक मेथड हमारा ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम जब सम कर रहे हैं, लेट्स ड्रॉ द एरे अगेन, लेट्स से द एरे इज 1 2 3 4 एंड 5। तो हम क्या करें कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को ऐड कर लें, एंड देन इसके बाद फिर बीच वाले एरे के साथ सम फंक्शन को अगेन कॉल कर लें। तो लेट्स अगर ये 0 इंडेक्स है और ये 4 इंडेक्स है तो हम इसका जो सम कॉल कर रहे हैं वो कॉल कर रहे हैं एक आई इनिशियल इंडेक्स और एक जे इनिशियल इंडेक्स। इस केस में आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 4 है, हम इसके साथ इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। नाउ अगर इसको हमें करना है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सम होगा ए आई प्लस ए जे, और उसके बाद रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हैं सम फंक्शन को जिसमें i+1 इंडेक्स और j-1 इंडेक्स के साथ इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अगर ये आई है तो इसके आगे वाला इंडेक्स i+1 होगा, अगर ये जे है तो इसके पीछे वाला इंडेक्स j-1 होगा। नाउ इसके बेस कंडीशंस क्या होंगे, जैसे कि ये केस है इसमें हम इसको पूरा रन करते हैं। सो यहाँ पे आई और यहाँ पे जे हो गया, फिर इसके बाद इनको सम करके हम आगे बढ़ाएंगे, आई यहाँ पे हो गया और जे यहाँ पे हो गया। तो जैसे ही हम देखेंगे कि आई और जे सेम पोजीशन पे हैं, हम केवल इस पोजीशन के एलिमेंट को सम कर देंगे। दो बार सम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें क्या करना होगा, केवल इसी वाले एलिमेंट को रिटर्न करा देंगे। सो एक बेस कंडीशन मेरा ये हुआ कि अगर आई इज इक्वल टू जे है तो उस केस में जो एरे का आईथ एलिमेंट है उसको आप रिटर्न करा दीजिए। मान लीजिए कि आपके एरे में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो आई यहाँ से इनिशलाइज होगा और जे यहाँ से 0 1 2 3 4 एंड 5, और हमने आई को आगे बढ़ा दिया और जे को पीछे कर दिया सम करते करते, फिर इन दोनों एलिमेंट को सम करके आई को आगे बढ़ा दिया और जे को पीछे कर दिया। तो अभी तक सब सही है, i2 पे है और j3 पे है, लेकिन जैसे ही इन एलिमेंट्स को सम करके आप आगे बढ़ेंगे i3 हो जाएगा और जे जो है वो 2 हो जाएगा। इस केस में आई एक्सीड कर गया है जे को, जो कि इनवैलिड पोजिशन, माने इन नंबर्स को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो इसको हम यहीं पर टर्मिनेट कर सकते हैं कि अगर आई हैज बिकम ग्रेटर देन जे तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर दीजिए और 0 रिटर्न कर दीजिए। तो ये दो बेस कंडीशंस हो गई, और बाकी ये वाला केस है जिससे कि हम, मतलब कि अगर आई लेस देन जे है तो हम इसको कॉल करते रहेंगे। एक और तरीका पॉसिबल है इसको करने का, लेट्स डू दैट ऑल्सो। लेट्स से कि हमारे पास एक एरे है और उसमें उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर करके उसको सम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास ए एरे है
और लो पोजीशन और हाई पोजीशन इसकी है। तो अगर हमारे पास ऐसा एरे है तो हम इसमें से जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको सम अलग से कर लें और राइट वाला पार्ट अलग से सम कर लें, देन फाइनली इन दोनों को ऐड कर लें। तो अगर ये लो है और ये हाई पोजीशन है तो बीच वाले को मिड मान सकते हैं। तो लो से मिड तक एक तरफ सम कर लें और मिड प्लस वन से हाई तक दूसरी तरफ सम कर लें। तो इसी को हम यहाँ पे रूल की तरह से लिख देते हैं। तो हम एक मिड फाइंड कर लेते हैं, मान लीजिए हमने एक मिड फाइंड कर लिया है और इसको हम कब तक डिवाइड करेंगे। लेट्स से हमारे पास चार एलिमेंट इधर था और चार एलिमेंट इधर, माने एट एलिमेंट्स टोटल थे, फोर फोर में हमने इसको डिवाइड कर लिया। फिर फर्दर हम इसको टू टू में डिवाइड कर लेंगे, फिर फर्दर क्या करेंगे इसको वन वन में डिवाइड कर लेंगे। तो जब वन एलिमेंट आ जाएगा तो हम इसको सिंपली रिटर्न कर सकते हैं, वन एलिमेंट आएगा तो हम इसको सिंपली रिटर्न कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लो इक्वल्स टू हाई आ जाए तो आप एरे का लो या हाई कोई भी एलिमेंट हो उसको रिटर्न कर दीजिएगा। ये हमारा एक बेस कंडीशन हो गया। लेकिन अगर लो लेस देन हाई है तो उस केस में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सम करेंगे। एक तरफ सम को कॉल करेंगे लो से मिड तक और दूसरी तरफ सम कॉल करेंगे मिड प्लस वन से हाई तक। फाइन, तो ये दो सम फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो अगर आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ रही होगी या घट रही होगी, इसके भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस पहले वाले मेथड की अपनी एनालिसिस करते हैं कि कितने रिकर्सिव कॉल्स हुए। तो मान लेते हैं कि मेरे पास चार एलिमेंट्स थे टोटल एरे में और इसके बाद हमने चौथे एलिमेंट को ऐड करके, मतलब ये चार एलिमेंट को इसको थ्री मान लीजिए लास्ट इंडेक्स है, सो ए थ्री को ऐड करके हमने सम फंक्शन को कॉल कर दिया अप टू टू। सिमिलरली हमने ए टू को ऐड करके सम फंक्शन को कॉल कर दिया अप टू वन इंडेक्स। सिमिलरली हमने ए वन को ऐड करके सम फंक्शन को कॉल कर दिया विद इंडेक्स जीरो। फिर हमने ए जीरो को ऐड करके सम फंक्शन को कॉल कर दिया विद इंडेक्स -1। और ये वाला जो प्रोसेस है वो ये टर्मिनेट होगा क्योंकि ये बेस कंडीशन है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने फंक्शन को कॉल किया है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्शंस परफॉर्म किए एडिशन के वो फोर है, चार ही एलिमेंट्स आपके पास थे। अगर एन है तो इसमें एन एलिमेंट्स का हम एडिशन परफॉर्म करें तो ऑर्डर ऑफ एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जानी चाहिए। जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें हमने टू पॉइंटर अप्रोच का यूज किया, जिसमें कि हम आई को एक तरफ आगे बढ़ा रहे हैं और जे को एक तरफ पीछे कर रहे हैं, इसमें आप इसको और इस वाले एलिमेंट को सम करके जो सम फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं आई प्लस वन और जे माइनस वन से। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलिंग्स है फंक्शन की वो तो रिड्यूस हो गई, वो हाफ हो जाएगी टोटल। आप समझ पा रहे होंगे कैसे, क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स को ऐड किया, दोनों आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये मीट कहाँ करेंगे, बीच में मीट करेंगे, तो एन बाई टू टाइम्स सम फंक्शन कॉल होगा। लेकिन जो एडिशंस हो रहे हैं, जो नंबर ऑफ एडिशंस इसमें हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ एडिशंस इसमें एन ही होंगे क्योंकि ए आई और प्लस ए जे हम इसमें कर रहे हैं। तो जो टोटल इसमें एफर्ट लगेगा वो भी ऑर्डर ऑफ एन एफर्ट ही लगेगा। जो तीसरा मेथड जिसमें हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है उसको भी हम एनालिसिस करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एट एलिमेंट्स टोटल है, सम फंक्शन को आपने कॉल किया है, इसी तरह से ये क्या करेगा कि सम फंक्शन को कॉल करेगा विथ फोर एंड फोर। इसी तरह से ये क्या करेगा, इन दोनों को बाद में ऐड करेंगे। फिर इसके बाद ये कॉल करेगा सम टू एंड सम टू को कॉल करेगा, जब मिलेगा तो मैं ऐड कर लेंगे। फिर ये सम वन और सम वन वाले को कॉल करेगा, फिर ऐड कर लेंगे। फिर इसमें ये सम वन और सम वन वाले को कॉल करेगा, हम इसको ऐड कर लेंगे। फिर इसी तरह से ये सम टू एंड सम टू को कॉल करेगा, इसको हम ऐड कर लेंगे। फिर ये सम वन एंड सम वन को कॉल करेगा, इसको हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसको सम वन और सम वन को ये कॉल करेगा, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इसमें आप देखें कि जो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स हैं लास्ट लेवल पे वो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स है आपकी एन। इसके बाद इसके ऊपर वाले में जो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स है वो एन बाई टू होंगी, चार कॉल्स हो रही हैं। इसके ऊपर वाले केस में जो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स है वो एन बाई फोर है, मतलब कि ये दो कॉल्स हैं रिड्यूस है। फिर जो सबसे पहले आपने कॉल किया था वो केवल एक कॉल किया था। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स को ही केवल ऐड करने की कोशिश करें सो एन प्लस एन बाई टू प्लस एन बाई फोर एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू वन। ओके, सो ये जो वन है इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एन बाई सम टू पावर के। अभी हम बात करेंगे टू पावर के की। सो अगर इसमें से एन को हमने निकाल लिया सो दिस इज वन प्लस वन बाई टू स्क्वायर, सॉरी वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू वन बाई टू रेज टू द पावर के। तो ये जो सीरीज है, अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक होती तो इसका सम होता ए अपॉन वन माइनस आर, मीन्स कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो वन बाई टू है, सो वन अपॉन
वन बाई टू इसका मतलब ये टू होता है, लेकिन ये तब होता है जबकि इनफाइनाइट होती है, हमारी तो इनफाइनाइट से कम ही है। तो हमारा टोटल क्या हो गया, एन में टू से मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस इज टू एन। तो टू एन को भी हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे। तो इनफाइनाइट नहीं है तब भी ऑर्डर ऑफ एन ही आ रहा है, ये तो इनफाइनाइट से कम ही है, तो एन और एन 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 और टू एन के बीच में कहीं रेंज कर रहा होगा, तो हम उसको ऑर्डर ऑफ एन ही लिखेंगे। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन ही है। भाई इसको हम कोड करते हैं, तीनों मेथड से हम इसको कोड करके देखते हैं। तो जो पहला मेथड है, उस पहले मेथड में ये कहा जा रहा है कि एक एरे है ए आर आर, टोटल एलिमेंट्स इसमें एट हैं, तो लास्ट इंडेक्स होगा वो सेवन होगा। तो इसका फंक्शन लिखते हैं, लेट्स से इंटीजर सम नाम का हमने फंक्शन लिखा, ए आर आर नाम का एरे है, और लेट्स से इसमें लास्ट इंडेक्स एन है। तो यहाँ पे हम क्या कहते थे कि अगर एन की वैल्यू लेस देन जीरो है तो रिटर्न जीरो, अदरवाइज आप क्या रिटर्न करेंगे, लास्ट एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, मतलब कि लास्ट एलिमेंट ए एन होगा, ए आर आर एन, और इसके बाद सम फंक्शन को कॉल कर दीजिए विद ए आर आर एरे एन लास्ट इंडेक्स एन माइनस वन। तो ये पहला मेथड हो गया, ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, उसको हमने आंसर नाम के वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लिया और इसको प्रिंट कर दिया। रन करते हैं इसको, आप देख सकते हैं कि एट तक हमारे पास एलिमेंट्स थे एरे में, तो इसका जो आंसर आएगा वो 36 आएगा। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एक सम ऑफ नेचुरल नंबर भी आप करेंगे तो 8 × 9/2 इट मीन्स कि 72/2, 36 आंसर आएगा। दूसरा मेथड ये कहता है था कि आप इसमें दो पैरामीटर्स को पास कर दीजिए, आई और जे। सो लेट्स से आई यहाँ पे जीरो पहला इंडेक्स और जे सेवन जो कि लास्ट इंडेक्स है। यहाँ पे एन की जगह हम लिख देते हैं आई और जे लिख देते हैं, फाइन। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसमें बेस कंडीशंस लगाएंगे, यहाँ पे दो बेस कंडीशंस होंगी, इवन और ऑड संख्या के हिसाब से। तो अगर आई की वैल्यू जे के इक्वल है, इसका मतलब कि मेरे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में, सो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, एरे ऑफ आई रिटर्न कर देंगे। एल्स में एक बेस कंडीशन और होनी चाहिए हमारे पास, अगर आई ग्रेटर देन जे हो गया है, इसका मतलब कि सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिए हैं, इस केस में आप सिंपली जीरो रिटर्न कर दीजिए, और अदरवाइज आपको कॉल करना है रिकर्सिव फंक्शन को, और उस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते समय एरे ऑफ आई को ऐड कर दीजिए एरे ऑफ जे से, और प्लस ऐड कर दीजिए इस एरे में रिकर्सिवली कॉल करते हुए आई प्लस वन एंड जे माइनस वन। सो ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन हो गया, आइए इसको भी रन करके देखते हैं। यू कैन सी द आंसर इज 36, फाइन। नाउ अब जो तीसरा मेथड है जिसमें हमने लोअर हाई इंडेक्स को पास करके और दो पार्ट में इसको कॉल करना था या दो पार्ट में बनाना था, भाई इसको हम दो पार्ट में बनाते हैं। इसमें सिंपल सी बात क्या है कि अगर आई की वैल्यू जे के इक्वल है तो हम उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, और अदरवाइज क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके कॉल करेंगे। सो दो पार्ट में कैसे हम डिवाइड करेंगे, जस्ट ट्राई टू राइट दिस। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक मिड ले लेते हैं, सो इंटीजर मिड, एंड मिड इज इक्वल्स टू आई प्लस जे डिवाइडेड बाई टू, फाइन। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं, दो पार्ट में कॉल करते हैं, सम ए आर आर फंक्शन, ए आर आर हमारा एरे है आई से मिड तक एक पार्ट, और सम में मिड प्लस वन से और हाई तक दूसरा पार्ट, फाइन। सो नॉट हाई इट इज जे हियर, आइए इसको रन करके देखते हैं। मिस्टेक वी मेकिंग आई से एम, ओके इसमें ए आर आर मिसिंग है, मिड नाम का वेरिएबल नहीं है, इसमें एन नाम का वेरिएबल है, ओके। सो यू कैन सी द आंसर इज 36। सो हियर वी हैव यूटिलाइज थ्री डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन एरे यूजिंग द रिकर्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन विद द मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द रिकर्शन।